आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर के गांव रुस्तमपुर तिगरी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 20 किलोमीटर तो ब्लॉक से इसकी दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। 3000 वोटों वाले इस गांव की बागडोर वकील अहमद संभाले हुए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में काफी अच्छा विकास कराया है। 4 वर्ष में क्या क्या विकास कराया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक भगतपुर के रुस्तमपुर टिगरी ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को लगभग पूरे बीत चुके हैं, दोबारा से चुनाव जो है फिर से तैयारी में है। अब तक के कार्यकाल में आपने क्या क्या विकास यहाँ गाँव में करवाया है? हमने मैडम हमारे गांव में बहुत काम पिछड़ा हुआ चल गया था। हमने बहुत काम करवाया है यहाँ। सड़कों का काम इतना ख़राब था कि हमने करीब 90% सड़कें यहाँ की सारी बनवा दी, रास्ते पक्के करवा दिए, सीसीटीवी यहाँ, सोलर लाइट हो काम, आवासों का काम, आवास मिले। हाँ, कितने आवास? करीब 40-45 के आसपास हमने आवास बनवा दिए, जिसमें 9 आवास लोहिया के बनवाए थे। उसको स्टार्टिंग 154 आवासों की लिस्ट अब हमने भेजी है शासन को। 154 परिवार अभी भी यहाँ है मौजूद जिन्हें आवास की जरूरत है। जो हमने लिस्ट फीडिंग करवा दी है, सर्वे भी हो चुका है, बहुत जल्द उसका भी काम शुरू होने वाला है। ओडीएफ हो गई ग्राम पंचायत, हमारी ओडीएफ हो गई सारी। स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट लगवाई थी गाँव में? हाँ, लगवाई थी, मगर वो अब स्थिति और है, स्ट्रीट लाइट लगवाने की स्थिति है इस समय। मतलब अभी आपके गाँव में अभी और जरूरत है स्ट्रीट लाइट? हाँ हाँ, स्ट्रीट लाइट हमने लगवाई नहीं थी, सोलर लगवाई थी वो भी स्ट्रीट लाइट यहाँ पर। हाँ, आवश्यकता। 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा समय पर मिल जाती है? वो तो बहुत बढ़िया सुविधा है, अच्छी मिल रही है। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड ये सब बने हैं गांव में? सब ये सारे सुविधा बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ कुछ परिवार हैं जिनके अभी फिलहाल में राशन कार्ड काटे गए हैं, उनकी मैंने शिकायत करी है डीएम साहब से, वो बहुत जल्दी बोल सकते हैं। आपकी कोशिश उनके लिए जारी है। यहाँ पर केंद्र सरकार जैसे गरीबों के लिए योजनाएं चलाती है, कई तरह तरह के अभियान, कई तरह तरह की योजनाएं चली हैं गरीबों के लिए, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन मुफ्त में जो दिए गए हैं। आपके ग्राम पंचायत में क्या सभी लोग इन योजनाओं का लाभ सभी को मिल पाता है? हाँ, सभी को मिलता है। किसानों के खाते में जो सम्मान निधि का पैसा आ रहा है वो कितने परसेंट लोगों का? उसमें करीब 50% लोगों का सम्मान निधि के खाते में पैसा आया है, बाकी के 50% के लोग अभी मेरे पास सूची आई थी जिनके कुछ खाते गलत थे या जो उनका सत्यापन होकर गया है, उनके लिए बहुत जल्दी पैसा वापस आ जाए। स्कूल पर क्या क्या करवाए? स्कूल पे हमने समाज सेवा भी करवाया है, अभी शौचालय करवाया है, मरम्मत करवाई है, और चार दीवारी बहुत नीची थी, टूटा हुई थी गेट, वो सारा नए तरीके से बनवाया है। चार दीवारी काफ़ी सौंदर्यकरण स्कूल में यहाँ करवाया है। इतना सौंदर्यकरण इस पंचवर्षीय में स्कूलों में हुआ है, ज़्यादातर ग्राम पंचायत में हुआ है, क्या पिछले वर्षों से और अब इतना सौंदर्यकरण कराने के बाद में शिक्षा में छात्रों की संख्या में कहीं कुछ बदलाव आपने महसूस किया है यहाँ? शिक्षा में अच्छी पढ़ाई हो रही है, अब बदलाव है, बच्चे भी काफ़ी संख्या में। आप समय देते हैं स्कूल के लिए? हाँ, बीच बीच में हम जाते हैं। सरकारी बिल्डिंग में ग्राम पंचायत में क्या बारात घर पंचायत भवन की बनी हुई? ना, हमारे यहाँ पर पंचायत भवन की जगह छुटा हुई थी, वो भी लोगों ने कब्जा कर रखा है, पंचायत भवन नहीं। कब उन्होंने कब्जा कर रखा है? क्या वो कब्जा मुक्त कभी तक नहीं हुई? इस बात की कोई शिकायत? शिकायत हुई, मगर कोई कार्रवाई नहीं, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं करनी। यहाँ खेल का मैदान, खेल का मैदान है, युवक मंडल दल की जगह है, और इधर स्कूल के ये है ईदगाह के पास वहाँ पर अस्पताल है, डॉक्टर वगैरह बैठते हैं वहाँ पर? नहीं, एनएम बैठती है, बस महीने में एक अलग बार बैठती है, बाकी जगह जगह वहाँ कैंप लगा के अलग अलग मोहल्ले में। वहाँ मरीजों को कोई परेशानी तो नहीं होती यहाँ से अस्पताल ज़्यादा दूरी पर है? ना, अस्पताल मरीजों के लिए तो ज़्यादातर भोजपुर जाते हैं, बाकी के जहाँ जो एनएम के स्तर का वो होता है वो। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है आपके वहाँ? मैडम, साफ सफाई की व्यवस्था बहुत चौपट है, मतलब सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं है या नियुक्त है वो परमानेंट करने का काम नहीं करते हैं, नियमित आते नहीं है। आपने इस पर कोई शिकायत या कोई कई बार लेकिन अभी तक कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं की गई ऊपर से। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहेंगे?
हमने अभी एक क्या नाम है टंकी का प्रस्ताव भेजा है यहाँ से, हाँ वो भी हमारे पास लेटर आ गया है, उसको भी काम शुरू होने वाला है। और जो सो स्ट्रीट लाइटों का और कुछ सड़कें बाकी रह गई, कितना मीटर सीसी से पक्के हो जाएंगे? 500 मीटर में हमारा गाँव कब्रिस्तान हो रखी है, मगर वो फिर पुरानी होने के बावजूद कुछ बोल रही है। एक नया कब्रिस्तान है हमारे यहाँ पर, उसकी बाउंड्री नहीं। केंद्र सरकार जो कार्य कर रही है उससे कहाँ तक संतुष्ट है? केंद्र सरकार की तो स्कीमें सारी सही हैं, मगर अगर सही तरीके से पब्लिक तक पहुँचे तक। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी हद तक विकास यहाँ हो चुका है, काफी हद तक ये गाँव विकसित है, लेकिन अभी भी जैसा कि यहाँ पर देखा गया है और सुना भी गया है, आवाज भी यहाँ लोगों को मिले हैं, सड़कों पर भी काफी काम हुआ है, 90% सड़कें यहाँ की पक्की कर दी गई हैं, स्कूल में भी काफी सौंदर्यीकरण करवाया गया है, लेकिन आज भी कुछ मूलभूत समस्याएं यहाँ बाकी हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं। जैसे कि लगभग 150 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है, स्ट्रीट लाइट को लेकर प्रधान ने यहाँ मांग रखी है, कब्रिस्तान की बाउंड्री को लेकर भी वो यहाँ मांग रखते हैं। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को आई है और प्रधान द्वारा बताया गया है कि यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खस्ता हालत में है, गांव में गंदगी का ढेर जगह जगह दिखाई दे रहा है, सफाई कर्मचारी नियुक्त है पर नियमित अपना काम नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं कर पा रही है, क्या वजह है, शिकायत करने के बावजूद भी किसी भी सरकार या प्रशासन किसी भी विभाग से कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं की गई। अशरफ अली के साथ मैं आ गई ट्विटर 24 से। आपका नाम बताएंगे? मोहम्मद इसराइल जी, यहाँ पर प्रधान द्वारा जो कार्य करवाए गए हैं, विकास कार्य करवाए गए हैं, उन्होंने बताया भी है, तो किस हद तक ये सत्य है, मतलब कितना विकास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैडम मैं प्रधान जी के कार्यकाल से बेहद खुश हूँ जी। जहाँ तक मेरा सवाल है कि करीब 25 बार मेरा वोट आ चुका, 25 वर्षों में इतना विकास ग्राम रुस्तम डिग्री में हुआ ही नहीं आज तक जी। मैं इनके 99% कार्यकाल से कामों से बेहद खुश हूँ, सिर्फ एक सफाई कर्मी के अलावा मुझे इस गांव से कोई शिकायत नहीं है, चाहे वह आवासों को लेकर, सड़कों को लेकर, बिजली को लेकर। बिजली का काम भी हमारे गांव के अंदर बहुत अच्छा हुआ है, पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छी प्रधान है, बहुत ईमानदार प्रधान। आप लोगों की समस्याओं को समय समय पर सुनते भी हैं और उनका निवारण भी करते हैं, ध्यान देते हैं हमारे गाँव के अंदर। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है। यहाँ इस पंचायत में विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहोगे? विकास कार्यों को लेकर कहना है कि आज आप बहुत अच्छा काम हुआ है, पूरे गांव में बहुत बढ़िया विकास हुआ है, ग्राम प्रधान का कोई जवाब नहीं, ऐसा ग्राम प्रधान कोई बना ही नहीं आज तक, और बहुत बढ़िया काम हुआ, गरीबों का साथ देते हैं, कम से कम 45 आवास भी बनवा दिए, गरीबों के हमदर्द हैं, और गरीब जनता को क्या चाहिए, समय समय साथ देते हैं, सबका बढ़िया काम होता, कोई दिक्कत नहीं है, और हम तो ये चाहते हैं आने वाले टाइम में भी हमारे सकील प्रधान जी ज़्यादा वोटों से जीते, बहुत अच्छे प्रधान हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शांति है गांव में, सकून है, बढ़िया। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान अंसारी। विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? विकास को लेकर तो प्रधान जी ने ऐसा विकास किया है कि क्या बताएं आपको, 150 की स्पीड से विकास किया है, इससे लोग गरीब जनता ज़्यादातर संतुष्ट है, और एक काम और बहुत अच्छा किया है, जो हमारे गांव से 11,000 लाइन आज तक नहीं हटी थी गांव की बस्ती के ऊपर से, हमारे ग्राम प्रधान ने जीतने के तुरंत 10 दिन बाद वो 11,000 की लाइन हटवाई और हाई टेंशन तार से मुक्ति दिलाई गांव वालों को। दूसरा हमारे नाले जो तालाबों में पुजवाए प्रधान जी ने, ये बहुत अच्छा कार्य किया जीतने के बाद, जब से लेके आज तक 4 साल में बहुत ही बढ़िया कार्य करा इन्होंने, बहुत अच्छा विकास करा, जिस रोड पे हम खड़े हैं वो पक्की, किसी गली निकल जाओ वो पक्की, सब RCC टाइल्स से मजबूती के साथ काम विकास करा है। हम ये चाहते हैं अगली बार हमारे शकील प्रधान ऐसी गरीबों के मसीहा बने रहें और ये आगे तरक्की गाँव की कराते रहें जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम जावेद। जावेद जी बताइए, यहाँ पे 4 वर्ष हो गए हैं ग्राम प्रधान के कार्यकाल को जी, क्या क्या मतलब विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर बहुत अच्छा विकास हुआ है, इस 5 साल के अंदर इतना विकास हुआ है कि कभी नहीं हो पाया यहाँ पर, लगभग 15-20 साल पहले हुआ था इतना विकास, जो आज प्रधान जी ने 4 साल के अंदर अंदर करा दिया। विकास कार्यों को लेकर का पूरी तरह सहमत हो? जी जी, बहुत अच्छे। यहाँ पर हमारी ट्रांसफार्म एक था पूरे गाँव के लिए, आज प्रधान जी के यहाँ प्रधान जी ने लगभग कम से कम 7 ट्रांसफार्म गांव के लिए बिजली के कराई है।